हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में वापस से कुछ बेसिक्स कमांड के बारे में और जानने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे फर्स्ट और सेकंड पार्ट को नहीं देखा है तो आई बटन पे उनकी लिंक दी गई है, वहाँ से जाके आप उनको चेक कर लीजिए, उनको वॉच कर लीजिए, देन यहाँ से आप कंटिन्यू कीजिएगा। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कट कॉपी पेस्ट कमांड के बारे में, जिससे हम फाइल्स और फोल्डर्स को कट कॉपी पेस्ट और डिलीट भी कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली टेक रिलेटेड वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपना टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ, और ये लास्ट वीडियो में मैंने कुछ फाइल्स बनाई हुई थी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि मैंने फाइल कैसे क्रिएट करी थी और एक्सपोर्ट करी थी टच कमांड और टाइप कमांड के जरिए। तो उस वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ पर आप जाके चेक कर लीजिए। देन इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें हम एक कमांड जानने वाले हैं जो कि हमारी एको है। एको कमांड बेसिकली क्या होती है, कोई भी डेटा को रिटर्न करने के लिए होती है। जैसे कि मैं आपको यूज़ करके बताता हूँ कि इसका यूज़ क्या होता है। एको, अगर मैं टाइप करता हूँ एको हेलो यूट्यूब, तो ये क्या है, हमारा जो टेक्स्ट है, जो भी डेटा है, उसको वापस हमारे पास रिटर्न करके प्रिंट कर देगा। तो सिंपली इस कमांड को हम किसी भी फाइल में डेटा ऐड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इसको हम कोई भी टेक्स्ट को रिटर्न करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी हमारी एक टेक्स्ट फाइल है, तो यहाँ पे अभी कोई टेक्स्ट फाइल है नहीं तो मैं क्रिएट कर लेता हूँ। सबसे पहले हम डेस्कटॉप पे चले जाते हैं। डेस्कटॉप पे जाने के लिए सीडी डेस्कटॉप टाइप करेंगे, एंटर करेंगे। देखिए हम डेस्कटॉप डायरेक्टरी पर आ चुके हैं। देन इसके बाद हम एक फाइल क्रिएट करते हैं। तो फाइल क्रिएट करने के लिए मैंने लास्ट वीडियो में एक कमांड बताई थी, जो कि हमारी फाइल क्रिएट एंड एक्सपोर्ट करने के लिए कमांड थी टच। तो उसको हम यूज़ करेंगे टच स्पेस डॉट स्लैश, फाइल का हम नाम रखेंगे टेम्प डॉट txt। तो देखिए यहाँ पे आप टच डॉट टेक्स्ट की एक फाइल देख सकते हैं जो कि हमारे टर्मिनल ने एक्सपोर्ट कर दिए। देन हम इसमें क्या है, एक कोई भी डेटा हम एंटर करेंगे एको कमांड के जरिए, इसमें हम कोई भी डेटा सेव करेंगे। तो मान लीजिए हमें कोई भी डेटा सेव करना है, जैसे हम टाइप करेंगे एको स्पेस सॉरी एको स्पेस हेलो यूट्यूब, और हम चाहते हैं कि ये जो हेलो यूट्यूब वर्ड है वो हमारा टेम्प्रेरी डॉट टेक्स्ट फाइल में हमारा शो हो। तो इसको हमें करने के लिए हमें स्पेस सिंपली, फिर हमें देना होगा एक एरो ग्रेटर देन का साइन। देन इसके बाद हम टाइप करेंगे फाइल का नेम, यहाँ पे फाइल का नेम है टेम्प डॉट txt, एंटर करेंगे। तो देख सकते हैं हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। जैसे ही हम फाइल को ओपन करके देखेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमें लिख रहा है हेलो यूट्यूब। अगर आप ऐसे नहीं देखना चाहते तो आप डायरेक्टली उसको टर्मिनल पे देखना चाहते हैं कि इस फाइल में हमारा क्या डेटा रखा है, तो हम सिंपली टाइप करेंगे कैट टेम्प डॉट txt। जैसे मैंने कैट टेम्प डॉट txt टाइप किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा रहा है हेलो यूट्यूब, जो कि हमारा इस फाइल में बेसिकली सॉरी इस फाइल में सेव था। और अगर मैं इसमें डेटा चेंज करना चाहूँ तो मैं आपको डेटा चेंज करके दिखाता हूँ। हमें और डेटा ऐड करना है तो इस पर हम टाइप वापस करेंगे एको हेलो यूट्यूब प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। हमें डेटा ऐड करना है टेम्प डॉट txt में, तो वापस से ग्रेटर देन का साइन, फिर डालेंगे टेम्प डॉट txt एंटर कर देंगे। ये वापस से हमारा फाइल में सेव हो चुका है, अब इसको हम यहीं से देखेंगे। वापस टाइप करेंगे कैट टेम्प डॉट txt, जिससे कि हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे आ जाए। देख सकते हैं हमारा वापस से डेटा इसने शो कर दिया कि हमने इस फाइल में क्या सेव किया था, हेलो यूट्यूब प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं आपको यहाँ से भी ओपन करके दिखा देता हूँ, ये हमारा सेम डेटा जो मैंने यहाँ पे एंटर करवाया था। तो इस तरीके से आप कोई भी फाइल में डेटा को सेव कर सकते हैं। तो एको कमांड और कैट कमांड का यूज़ आपको समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं और हम जानेंगे कट कॉपी पेस्ट और डिलीट की कमांड के बारे में। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ सिंपली। देन सबसे पहले हम शुरू करते हैं कॉपी कमांड से। तो हम जानेंगे कि कोई भी फाइल को हम कॉपी कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये न्यू डॉट html है, हमें इस फाइल को इस टेक्स्ट जोन के फोल्डर में सेव करना है। बेसिकली अब हमारा फोल्डर खाली है, देखिए अभी आप देख सकते हैं हमारा जो टेक्स्ट जोन का फोल्डर है उसमें कुछ भी डेटा नहीं है। तो हमें क्या करना है, न्यू डॉट html को टेक्स्ट जोन के फोल्डर में सेव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
इसके लिए हमारी हमारी कमांड यूज होती है सीपी, जिसको हम कहते हैं कॉपी। तो हमें सेव करना है कोई फाइल का नाम, जैसे मान लीजिए हमें म्यूजिक डॉट MP3 और न्यू डॉट HTML दोनों को सेव करना है। पहले मैं एक फाइल वगैरह दिखाऊंगा, फिर मैं दिखाऊंगा कि हम दो फाइल को एक साथ कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं म्यूजिक फाइल को सेव। तो हम टाइप करेंगे डॉट स्लैश म्यूजिक डॉट MP3, और इसका जो पाथ है वो हम टाइप करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे स्लैश होम, इसके बाद हम टाइप करेंगे स्लैश यूज़र का नेम, इसके बाद हम डालेंगे स्लैश हम कौन सी डायरेक्टरी पे हैं। अभी हम करंटली डेस्कटॉप पे हैं, तो हम टाइप करेंगे डेस्कटॉप। और इसके बाद हमें फोल्डर का नाम देना है जिस फोल्डर में हमें वो फाइल को सेव करना है। तो हम टाइप करेंगे टेक जोन। तो देख सकते हैं मैंने जो पूरा एड्रेस है वो डाल दिया है मैंने। इसको हम एंटर करेंगे तो हमारी जो प्रोसेस है वो कम्प्लीट होगी। तो मैं आपको फोल्डर को खोल के दिखा देता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं म्यूजिक डॉट MP3 की फाइल आ चुकी है। तो ये था एक फाइल को एक बार में कॉपी करने का तरीका। इसके बाद हम जानते हैं कि हम एक साथ दो फाइल को कैसे कॉपी कर सकते हैं। तो हम वापस से टाइप करेंगे, मान लीजिए हमें इसके बाद न्यू डॉट HTML और इमेज डॉट PNG दोनों कॉपी करना है। तो हम टाइप करेंगे CP स्पेस डॉट स्लैश न्यू डॉट HTML, फिर वापस से डॉट स्लैश इमेज डॉट PNG, फिर वापस हम डालेंगे एड्रेस स्लैश होम स्लैश चेतन स्लैश डेस्कटॉप, फिर स्लैश वापस से फोल्डर का नेम टेक जोन, एंटर करेंगे। देखिए हमारी प्रोसेस वापस से कंप्लीट हो गई है। तो हम वापस ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारी तीनों फाइल सेव हो चुकी हैं। जो पहले हमने पहले म्यूजिक डॉट MP3 की फाइल सेव करी थी, उसके बाद न्यू डॉट HTML, फिर उसके और साथ में एक साथ इमेज डॉट PNG की फाइल भी सेव करी थी। तो तीनों फाइल यहाँ पे आ चुकी हैं। तो ये था कॉपी करने का तरीका एक और अनेक फाइल को एक साथ। तो ये था हमारा कॉपी करने का तरीका, जो कि हमारा टर्मिनल फॉर्मेट में था। एक बैश फॉर्मेट भी होता है जिसके ज़रिए हम कॉपी कर सकते हैं। तो अगर किसी ने बैश पढ़ा है तो उसको मैं बता देता हूँ कि कैसे यूज़ करते हैं। तो उसको भी कमांड कुछ ऐसी होती है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है फॉर्मेट में। तो उसके लिए हम वापस से टाइप करेंगे CP, फिर हम डालेंगे फाइल का नेम। फाइल का नेम मान लीजिए वीडियो डॉट MP4 है, वीडियो डॉट MP4, फिर हम डालेंगे सीधे फोल्डर का नेम टेक जोन, एंटर करेंगे। तो ये हमारा जो टेक जोन फोल्डर में वीडियो डॉट MP4 की फाइल कॉपी हो चुकी है। तो देख सकते हैं ऐसे हमारी जो फाइल है हम बैश फॉर्मेट के जरिए भी कॉपी कर सकते हैं। तो इसके दो तरीके थे, एक टर्मिनल फॉर्मेट एक बैश फॉर्मेट। तो मैंने आपको दोनों बता दिए। तो सिंपली ये था कॉपी कमांड। और इसके बाद हम चलते हैं कट वो सॉरी मूव कमांड पे। तो मैं यहाँ से सब क्लियर कर देता हूँ, एंटर करते हैं। तो मान लीजिए हमें ये न्यू डॉट HTML म्यूजिक डॉट MP3 और इमेज डॉट PNG फाइल को मूव करना है टेक्स्ट जोन के फोल्डर में। तो इसके लिए हम सिंपली कमांड यूज़ करते हैं MV, जो कि हमारी मूव होती है। तो इसको हम MV टाइप करेंगे। तो आपको दिखाता हूँ कैसे यूज़ करते हैं। सिंपली हम पहले MV टाइप करेंगे, फिर वापस से अपना जो फाइल का नेम है डॉट स्लैश न्यू डॉट HTML, फिर इसके बाद सबसे पहले हम एक फाइल को करके देखते हैं कि कैसे हम एक फाइल को मूव कर सकते हैं। तो फिर वापस से हम उसका एड्रेस डालेंगे स्लैश होम स्लैश चेतन, फिर स्लैश डेस्कटॉप, फिर स्लैश फोल्डर के नेम टेक जोन, एंटर करेंगे। देखिए यहाँ से फाइल जा चुकी है और वो टेक जोन के फोल्डर के अंदर आ चुकी है, देख सकते हैं। तो ये रही सॉरी न्यू डॉट HTML की फाइल आ चुकी है। तो इस तरीके से हम एक फाइल को एक बार मूव कर सकते हैं। और वापस से हम एक साथ दो तीन फाइल को मूव करना चाहते हैं तो वही सेम कमांड है MV। हमें मान लीजिए म्यूजिक डॉट MP3 और इमेज डॉट PNG को सेव करना है उस फोल्डर में, सॉरी मूव करना है। तो उसके लिए हम वापस से टाइप करेंगे MV डॉट स्लैश म्यूजिक डॉट MP3, फिर स्पेस डॉट स्लैश इमेज डॉट PNG, फिर वापस से हम एड्रेस दे देंगे होम स्लैश चेतन स्लैश डेस्कटॉप स्लैश टेक जोन फोल्डर का नेम, देन एंटर कर देंगे। तो देख सकते हैं हमारी जो दोनों फाइल हैं वो भी टेक जोन के फोल्डर के अंदर जा चुकी हैं। तो इस तरीके से हम मूव कमांड को यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी मूव कमांड, कैसे हम एक या दो फाइल को एक साथ हम मूव कर सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि किसी भी फाइल को हम रीनेम कैसे कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमें वीडियो डॉट MP4 को नहीं सॉरी हम इस फाइल को लेते हैं टेम्प डॉट TXT, इसको हमें रीनेम करना है। तो रीनेम करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, इसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे MV, जो कि हमारी मूव कमांड होती है, उसको ही हम यूज़ करेंगे। तो इसका थोड़ा फॉर्मेट अलग है, ध्यान रखना मूव करने में और रीनेम करने में थोड़ा सा अंतर है, वो आपको याद रखना कि क्या है।
तो मान लीजिए हमें टेम्प डॉट टी एक्स टी को हमें चेंज करना है नेम, मान लीजिए यूट्यूब डॉट टेक्स्ट में। आप फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं इसके ज़रिए, बट हम फॉर्मेट चेंज नहीं करेंगे, तो सिंपली हम इसका नेम चेंज कर देंगे। तो हम करेंगे डॉट स्लैश, हम डालेंगे mv, वो जो रीनेम करने की कमांड होती है वो mv ही होती है। तो mv डालने के बाद स्पेस, फिर डॉट स्लैश, जो वो टेक्स्ट डॉट टी एक्स तो सॉरी टेम्प डॉट टी एक्स टी का फाइल का नेम है वो, फिर हम डालेंगे वो नेम जो हम रखना चाहते हैं। तो हमें टेम्प डॉट टी एक्स टी का फाइल का नेम रखना है हमें यूट्यूब डॉट टेक्स्ट, यूट्यूब डॉट टी एक्स टी डॉट टी एक्स एक्स टी। तो जैसे हम एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो नेम है वो सक्सेसफुली चेंज हो चुका है, जो टेम्प डॉट टी एक्स टी से यूट्यूब डॉट टी एक्स टी हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी फाइल को रीनेम करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है मूव करने में और रीनेम करने में क्या अंतर होता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। बस इसमें हम यहाँ पे एड्रेस दे देते हैं, यहाँ पे हम एड्रेस नहीं देते, पहला जो अपना नेम होता है वो, और उसके बाद जो नेम हम रखना चाहते हैं वो, सिंपली बस यही होता है। और हमें कॉपी मूव करने के लिए बस एड्रेस दे देना है, तो जो फाइल का नेम आप लिखोगे वो सारी उठ के उस एड्रेस पर चली जाएंगी। बस इसमें ये है कि आपको पहले पुराना नेम फिर आगे नया नेम दे देना है, इस तरीके से आप रीनेम कर सकते हैं। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमारी आती है कि हम कैसे भी किसी भी फाइल को डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्लियर कर लेते हैं, क्लियर करने के बाद हम जानते हैं कि हम कैसे किसी भी फाइल को डिलीट कर सकते हैं और फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं। तो सिंपली हमें क्या करना होगा, मान लीजिए हमें वीडियो डॉट एम पी फोर की फाइल को डिलीट करना है, तो इसके लिए हमारी कमांड यूज़ होगी rm। तो मैं टाइप करता हूँ rm, हमारी तो फाइल का नाम डाल देते हैं, जो भी फाइल का नाम है, जैसे वीडियो डॉट एम पी फोर को डिलीट करना है डॉट स्लैश वीडियो डॉट एम पी फोर, फिर हम एंटर करेंगे। तो देख सकते हैं हमारी जो फाइल है सक्सेसफुली रिमूव हो चुकी है। तो रिमूव करने के लिए rm यूज़ होता है, हमें एक साथ दो तीन फाइल को रिमूव करना है, तो वही सेम एज रिमूव, फिर दो दो तीन फाइल का नाम एक साथ रख देंगे, जैसे rm। हमारे पास दो फाइल्स बची हुई हैं, यूट्यूब डॉट टी एक्स टी और इंडेक्स डॉट एस टी एम एल। तो इनको रिमूव करने के लिए हम वापस से rm स्पेस डॉट स्लैश यूट्यूब डॉट यूट्यूब डॉट टी एक्स टी स्पेस और डॉट स्लैश इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, तो एंटर कर देंगे। तो दोनों फाइल यहाँ से गायब हो चुकी है। तो ये था किसी भी फाइल को डिलीट करने का तरीका। तो हम अगले अगले स्टेप के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि हमारा फोल्डर डिलीट करने का तरीका है, वो भी सेम ऐसा ही है। तो हम करते हैं rm फोल्डर का नेम डाल देते हैं डॉट सॉरी डॉट स्लैश जोन, फिर एंटर करते हैं। ये हमारा बता रहा है कि इसको हम रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि एक डायरेक्टरी है। ओके हाँ, इसके लिए दूसरी कमांड यूज होती है, जो कि हमारी rmdir होती है, जो कि हमारी डायरेक्टरी रिमूव करने के लिए यूज होती है, डायरेक्टरी या फोल्डर कह सकते हैं कुछ भी आप। rm सिर्फ फाइल डिलीट करती है, फोल्डर डिलीट नहीं करती। तो डायरेक्टरी रिमूव करने के लिए हम टाइप करेंगे rmdir स्पेस डॉट स्लैश टेक जोन, एंटर करेंगे। तो ये फिर से एरर दिखा रहा है, ये बोल रहा है कि फेल टू रिमूव डॉट स्लैश टेक जोन, क्योंकि डायरेक्टरी हमारी एम्प्टी नहीं है, क्योंकि इसमें हमारी कुछ फाइल्स हैं। तो इसका कोई एक रूल होता है कि कोई भी फोल्डर हमें यहाँ डायरेक्टरी डिलीट करनी है तो उसको हमें पहले एम्प्टी करना होता है। तो हमें पहले ये चारों फाइल्स को यहाँ से डिलीट करना होगा, जो कि हमारी टेक जोन में बनी हुई है। तो इनको रिमूव करने के लिए वापस हम कमांड डालेंगे रिमूव डॉट स्लैश सॉरी, पहले हम डायरेक्टरी चेंज करते हैं डेस्कटॉप के बाद हम टेक जोन में जाएंगे, cd टेक जोन एंटर। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम टेक जोन की डायरेक्टरी में आ चुके हैं अंदर। तो हम ls टाइप करेंगे तो हमारी चारों फाइल्स का नेम हमें दिखाई दे रहा है। तो हमें क्या करना है, इन चारों को रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए rm डॉट स्लैश इमेज डॉट png, फिर डॉट स्लैश म्यूजिक डॉट mp3, फिर स्पेस डॉट स्लैश न्यू डॉट html, फिर स्पेस डॉट स्लैश वीडियो डॉट mp4। वीडियो डॉट mp4, तो हमें ये चारों फाइल्स को रिमूव करना है। तो हम एंटर करेंगे, ये चारों फाइल्स हमारी रिमूव हो जाएंगी। तो इसके बाद हम वापस से डेस्कटॉप डायरेक्टरी पे आते हैं, जो कि हमारी एक स्टेप बैकवर्ड है। तो एक स्टेप बैकवर्ड जाने के लिए हमें कमांड जान हमें हमने पढ़ा था कि कमांड हमारी कौन सी होती है, तो उसको हम कहते हैं वो cd यूज़ होती है बेसिकली, बस उसमें एक डिफरेंस आ जाता है, cd डबल डॉट लगा देते हैं ताकि हमारा एक स्टेप बैकवर्ड चला जाए। तो एंटर करेंगे, तो देख सकते हैं हम वापस से डेस्कटॉप पे आ चुके हैं। तो इस फोल्डर को मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ से।
तो यहाँ पे हम ls टाइप करेंगे, तो देख सकते हैं हमारे एक टैक्सोन का डायरेक्टरी हमें बनी दिख रही है। तो हमें सिंपली इसको रिमूव करना होगा। तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, rmdir डॉट स्लैश टैक्सोन, जैसे हम एंटर करेंगे तो हमारा जो फोल्डर है वो सक्सेसफुली रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी फोल्डर को रिमूव कर सकते हैं। फोल्डर क्रिएट करने का तरीका आपने जान लिया, फाइल क्रिएट करने का हमने बता दिया लास्ट वीडियो में, कॉपी पेस्ट कट सब जान लिया। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखेंगे, बाकी का कुछ नेटवर्किंग से रिलेटेड और अपडेटिंग से रिलेटेड चीज़ें और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप वेट कीजिए, वो वीडियो नेक्स्ट डे आने वाली है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।